ਕੋਰਸ ਵੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Now students, our next sum. Find the equation of the straight line through 2, 3, so that the segment of line intercepted between the axes is bisected at this point. Now first of all, we will discuss about this statement. इस स्टेटमेंट के सानू की दस्या गया, असी एक समीकरण फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की, जिदे पॉइंट स्ट्रेट लाइन के 2, 3 मीनस इन टू पॉइंट्स के बीच पास आउट हो रही है। सो दैट द सिगमेंट ऑफ द लाइन, लाइन का हिस्सा ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस मीनस ए एक्स एक्सिस भी कट कर रहा, वाई एक्सिस भी कट कर रहा, इज बाईसेक्टेड, अगेन अगे वो की कह रहा वा, बाईसेक्टेड एट दिस पॉइंट मीनस द गिवन लाइन है जी स्ट्रेट, ओदा सिगमेंट हिस्सा जरा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कट कर रहा, तो ये वाला जो पॉइंट है जिसे पास आउट हो रही है, ये पॉइंट उसनू अद्ध दे विच की करता, डिवाइड कर रहा वा, की कर रहा वा, अद्ध दे विच की कर रहा वा, डिवाइड कर रहा, यानी कि अद्धा अद्धा बन रहा वा उस लाइन के सैगमेंट नू, सैगमेंट कहड़ा वा इत्थों लैके इत्थे तक। एट द इंटरसेप्ट लैट the intercept be small a and small b, a along x axis, let the intercept small a along x axis and small b along y-axis. Now, second step, equation of straight line, equation of straight line, equation of straight line, x over a plus y over b equal to 1. Consider it equation 1. Now, I have given the name of this point A and this point B. Now, OA. OA intercept along x axis small a, इतनी लिखेंगे सी, because OA equal to small a, therefore what is the coordinate of point A? A x axis the value a and y axis the 0. So coordinate of point A, small a, 0. Now we will find the coordinate of point B, because OB equal to small b, therefore coordinates of point B, that is 0 and b, because value of x 0 but value of y small b. Let p whose coordinates 2, 3 be the midpoint
be the midpoint of line segment AB. P here 2, 3, whose coordinate 2, 3 be the midpoint of line segment. हम line segment की तो हिस्सा वा straight line. Now we already have tried midpoint formula. मैं तो अनु midpoint formula करवा चुके हाँ. You will be see in the previous videos. पहला ये video दे बेचे सी उस chapter बारे टोटली डिस्कस कर चुकी हैं. नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला दैट इज टू इक्वल टू आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. नाउ टू इक्वल टू 0 + a, टू इक्वल टू 0 + a, इधरों से एक्स वाली कोआर्डिनेट ले लेना, वैल्यू ले लेनी टू, इधरों एक्स वालियां एड अप कर देना एंड ओवर की आ जाएगा टू. एंड सिमिलरली 3 इक्वल टू बी प्लस 0/2. नाउ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 6. So, put the value of A and B in equation 1. Put the value of small a and B in equation number 1. So, x over value of a 4 plus y over 6 equal to 1. Now, I am solving 4 and 6 the LCM. I am taking the LCM of 4 and 6. 2 to the 4, 2, 3, 6. 2 to the 1, 3. That is a 12. Now it becomes 3x plus 2y equal to 1, which implies 3x plus 2y equal to 12, which implies 3x plus 2y minus 12 is the required equation. तो इस सम दे विच असी की कीता, सानू एक स्ट्रेट लाइन दिती सी एंड वो कट कर रही थी एक्स एक्सिस नू एंड वाई एक्सिस नू, मीनस इंटरसेप्ट दते हुए सी. इंटरसेप्ट असी अलोंग एक्स एक्सिस नू ए मान लिया ते वाई एक्सिस नू असी बी मान लिया. गिवन सी भी सानू एक पॉइंट दिता सी पी जिहदे थ्रू ये स्ट्रेट लाइन पास आउट हो रही सी और गिवन पॉइंट इस सैगमेंट नूं दो बराबर हिस्सों विच वंड रहा सी. तां असी इस इक्वेशन दी की आ लाइन दी की आ सॉरी इक्वेशन फाइंड करनी सी. तो फस्ट ऑफ ऑल असी की कीता, इंटरसैप्ट मान ले, लैट द इंटरसैप्ट बी ए एंड बी, इंटरसैप्ट मान ले. इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन वी नो इंटरसैप्ट फॉर्म दे विच एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1, इहनूं असी नंबर 1 कंसिडर कर लिया. नाउ ओ ए असी कहना मन समॉल ए, सो वी हैव राइट द कोआर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. असी पॉइंट ए दे कोआर्डिनेट लिख ले ए 0, सिमिलरली बी दे लिख ले. फिर असी इहदे ते मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया. हुण मिड पॉइंट फार्मूला की हुंदा वा, एक्स वाला वैल्यू इक्वल टू एक्स वालियां वैल्यू ओवर 2, सिमिलरली वाई वाली वैल्यू इक्वल टू वाई वाली वैल्यू ओवर 2, उन्होंने ऐड करके ओवर 2.
ਇੱਥੋਂ a ਐਂਡ b ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਮੀਕਰਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਸਮ ਇਫ ਪੀ ਬੀ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਨ whose intercept on the axis are small a and small p, then prove that 1 over p square equal to 1 over a square plus 1 over b square. First of all, we will discuss what is given in the statement. In the statement, P be the measure of the perpendicular segment from the origin on the line whose intercept on the axis are small a and small b, then prove that. Sade kole ki hai ek straight line jide intercept small a and small b ditte hai, means aa sade kole ek coordinate frame OX, OY and given straight lines, sports line L, ਇਹ X ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ Y ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, X ਐਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, Y ਐਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ. ओरिजिन तो की है एक परपेंडिकुलर की है, ये उपर की है एग्जिस्ट कर रहे हैं समॉल पी. नाउ दैन प्रूव दैट 1 ओवर पी स्क्वेयर इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वेयर प्लस 1 ओवर बी स्क्वेयर. सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस सम. Let OA, मैं इस पॉइंट नूं A मान लिया वा एंड दिस पॉइंट इज अ B. लेट OA इक्वल टू स्मॉल A एंड O B इक्वल टू स्मॉल B. जो मेरे को इंटरसैप्ट है मीनस डिस्टेंस अलोंग X एक्सिस जिथे स्ट्रेट लाइन कट कर रही है X एक्सिस वो स्मॉल A है एंड सिमिलरली डिस्टेंस अलोंग Y एक्सिस जिथे स्ट्रेट लाइन बी पॉइंट के उपर कट कर रही है वाई एक्सिस नू स्मॉल बी, ये इंटरसैप्ट साढ़े को दोने कर लिख लिया. लेट एंड स्मॉल पी, सो स्मॉल पी दैट इज मैं इस पॉइंट नू की मान लिया ओ एम एंड स्मॉल पी that is OM equal to small p be the measure of the perpendicular segment from O to the straight line. Origin to OM, that is a small p. Now look carefully, we have two triangles OAM
एंड ओ एम बी। नाउ स्टूडेंट्स लेट एंगल ए ओ एम, इस एंगल नूं मैं अल्फा का नाम दिता। की देता मैं एंगल अल्फा का नेम इनू मैं देता। लेट एंगल ए सॉरी ए ओ एम इक्वल टू अल्फा। नाउ अगर अभी ट्रेंगल देखिए ए ओ एम, ए अपने को वी नो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, टोटल एंगल ये 90 डिग्री है। अगर इन्ना अल्फा बाद दूसरा हिस्सा कितना रह गया 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस अल्फा। सो दिस एंगल एम ओ बी ये वाला एंगल एम ओ बी 90 माइनस अल्फा कितना जो एंगल है 90 माइनस अल्फा ये वाला एंगल। सो देन एंगल एम ओ बी दैट इज 90 माइनस अल्फा। नाउ इन ट्रायंगल ए एम ओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल केड़ी साडे कोले ए एम ओ, ए एम ओ आ सानू परपेंडिकुलर गिवन, ए बेस हो गया एंड ए की हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। सो कोस अल्फा परपेंडिकुलर that is small p over hypotenuse that is a small a, and consider it 1. Now in right angle triangle OMB, in राइट एंगल ट्रेंगल ओ एम बी अगेन कॉस 90 माइनस अल्फा अगेन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज पी ओवर बी। Now, we know cos 90 minus theta, इतने से property लगामा गया एक, cos 90 minus theta, that is a sin theta. So, this becomes sin alpha equal to P over B. Consider it equation 2. Now, squaring and adding. Squaring, इन्हें असीं square कर रहे हैं, squaring and adding, किन्हों किन्हों add कर रहे हैं, 1 and 2. Square कर दो तो add कर दो. First क्या आ जाएगा? Cos square alpha plus साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर
पी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। नाउ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, जांच के लिए कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, वी नो इहदी वैल्यू वन होंदी है। सो पी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। पी स्क्वेयर कॉमन आ, एक दोनों के कॉमन आ, कॉमन कर लो, बराबर है, इक्वल है दोनों, वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस वन ओवर बी स्क्वेयर। इन मैं बाहर लिख लिया, डिवाइड बोथ साइड बाय पी स्क्वेयर, डिवाइड बोथ साइड बाय पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर के नाल दोनों पास असी डिवाइड कर देंगे। सो वी गैट वन ओवर पी स्क्वेयर इक्वल टू वन ओवर ए स्क्वेयर, पी स्क्वेयर देना पी स्क्वेयर की हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस वन ओवर बी स्क्वेयर। हेंस वी हैव प्रूफ, यही असी प्रूफ करना।